ਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਰੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੋ ਉਠਾ ਕਰ ਕਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ ਪੁੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਰੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ ਪੁੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੋਇਆ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਬੋਲੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ ਕਹੀਏ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ ਸਯੂਨ ਦੀਓ ਬੇਟੀਓ ਸਯੂਨ ਦੀਓ ਬੇਟੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ ਗਾਈਏ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਰੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ ਪੁੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਰੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ ਪੁੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੋਇਆ ਅੱਜ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਕੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਗਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਕੋੜੇ ਦਿਓ
ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਬਰਾਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ ਚ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਬਰਾਏ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਹੋ ਅੱਜ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੋਇਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਏ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਏ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਏ ਕਰਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਰੂਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਵਾਦੇ ਕੋਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਰੂਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਮੌਤ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ
खुदावन के सामने उसकी मेज में शरीक होने के लिए, उसकी सलीब के करीब जाने के लिए अपने आप को हाजिर करो। खुदा ने ये काम आपके जिम्मे लगाया है, तुम उसकी कहानत का काम करो, तुम उसकी बादशाही का काम करो। हालेलुया। जब आप यरूशलेम में रहोगे आज दोपहर, तुम वो वक्त वो टाइम गुजार रहे हो जिस वक्त में खुदावंदों का खुदावंद सलीब पर मेरे और तुम्हारे लिए कुर्बान होता है। अपने हाथ उठाओ खुदावंद से, तेरी मेज पर आ रहे हैं हम, तेरी मेज को मुबारक कहते हैं। दिलों में आज सलीब को उतरने दो, आज सलीब के भेद को अपने दिलों में उतरने दो, आज सलीब के मुकाशफे को अपने दिलों में उतरने दो, आज सलीब का भेद हमारे दिलों पर असर करे, आज सलीब का भेद हमारे दिलों पर असर करे। सारे अपने फेस को इस साइड पर करेंगे, सभी साइड इधर भी आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। दरमियान से जब मेज गुजरे हम मिलकर वर्शिप करेंगे। सारे इस साइड पर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएं सारे। बहने भी साइड पर कर लें, आगे आ जाए थोड़ा थोड़ा, आप इधर आ जाओ। हम इस मेज में शामिल होंगे। हालेलुया। सुटो नी रुमाल लड़िया, सुटो नी रुमाल लड़िया, सुटो नी रुमाल लड़िया।
बड़े हाय जख्म बड़े मेरे यीशु दे बदन ते जख्म बड़े हाय जख्म बड़े लो रो के साफ करा उठाओ और ये वर्ड मिलकर गाओ, हाथ उठाकर गाओ। मेरे शाफी दे मुख नू खून लगा हाय खून लगा गाओ। मेरे शाफी दे मुख नू खून लगा सुटो नी रुमाल अड़ियो
सबका मिलकर मेरे यसु सूली उत्ते चढ़ पिता है चढ़ पिता कर अपने दोनों हाथ उठाओ चर आंखें बंद करके ये वर्ड गाओ। जब यरूशलेम के अंदर खुदावंद अपनी सलीब उठाकर जा रहे थे तो एक औरत ने अपना रुमाल लेकर खुदावंद का मुंह साफ किया और लिखा उस रुमाल पर उसकी छवि बनी। जद सोण मुख दादी दार करा अड़ियो रब मैं याद करा जद सुन मुख दा दीदार करा सुटो निरुमा लड़ियो सुटो निरुमा निकलती है जहां से निजात सादर होती है उसकी मेज जिंदा है उसकी मेज मुबारक है। खुदावन के कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो मेरी मेज से खाता है। आज तुम खुदावन की मेज पर हो आज तुम खुदावन का शुक्र अदा करो। मेरे यसु सूली उत्ते चा
चूली उत्ते चढ़ दिता तेरी मेज मुझे मुबारक करे, मेरा आने वाला टाइम मुबारक करे। अपनी मुट्ठियां बंद करके थोड़ा टाइम उसमें गुजारो, आज उसकी सली में थोड़ा वक्त गुजारो। मेरे शाफी दे मुख नू खून लगा, हाय खून लगा। मेरे साफ करा दिल नू रोग लगा, हथ नाल साफ करा दिल नू रोग लगा। अपने दोनों हाथ उठाओ खुदावंद के सामने उसके वर्ड के लिए। खुदावंद आज तेरी मेज से जो कलाम जारी होगा वो मेरे लिए होगा, वो मेरे लिए होगा, मेरे बच्चों के लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी पीढ़ियों के लिए। वो वर्ड मेरी नस्लों के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरी पीढ़ियों के लिए है। प्रेयर करो चर्च, खुदावंद को बोलो आज का कलाम मेरी जिंदगी के अंदर फ्रूटफुल हो इन जीसस नेम, फ्रूटफुल हो इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। आज का वर्ड मेरी जिंदगी के अंदर मुबारक हो, मुबारक। हालेलुया हालेलुया। आंखें बंद करके खुदा के वर्ड के लिए प्रेयर करो चर्च, खुदा आज का कलाम मेरी जिंदगी में मुबारक ठहरे, आज का वर्ड मुझे मुबारक करे। हालेलुया हालेलुया। आज सारा टाइम खुदावंद तेरी हजूरी के अंदर है, तेरी इस जिंदा कुर्बानी के अंदर हूं। आज तेरे खून का मसा मुझे छुए, आज तेरे खून की कुदरत मुझे छुए। वो खून जो सलीब पर बहा है, बच्चों को, मेरी नस्लों को छुए इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। वो छुए मुझे इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आज मुझे मुबारक करे, मेरे बच्चों को मुबारक करे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन का, खुदावन के हजूर आना आपका मुबारक हो इन जीसस नेम। आज खुदावंद अपने खून की बख्शिश हमारे लिए जारी करे, आज अपने खून की कुदरत को हमारे लिए जारी करे, आज अपने खून के मसा को हमारे लिए जारी करे, आज अपने खून की आजादी को हमारे लिए जारी करे, आज अपने खून की आजादी को हमारे लिए जारी करे। हालेलुया। खून की बादशाही को जारी करे, खून की बादशाही को जारी करे। हालेलुया। खून की आजादी जारी हो इन जीसस नेम, खून की आजादी जारी हो इन जीसस नेम, खून की बख्शिश जारी हो, खून की बख्शिश जारी हो। दोनों हाथ आओ कानों के करीब ले जाओ, एक सेकंड आवाज लगाओ। यहोवा
यहोवा यहोवा वे मेरे वेड़े विच आवस वे है तेरे कदमा च आन खलोते होया है यावे यावे है तेरे चरना दी वे मिट्टी बन जावा सोनिया है वे तेरे कर दी हवा बन जावा सोनिया तेरे कर दी हवा बन जावा तेरे नहरा दा पानी बन जावा वे तेरे मुंह दा कलाम बन जावा सोनिया हाय वे अज कर्म कमा ते आंदे वेड़े विच आ सजना आओ प्रेर करो साथ वाले के लिए प्रेर करो आज का कलाम से मेरा हमसाया बरकत पाए आज के कलाम से मेरा हमसाया बरकत पाए अपने हमसाये के लिए प्रेयर करो ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करो ताकि वो खाली ना जाए आप सबों को गुड फ्राइडे मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारक हो साथ वाले को भी मुबारक कहें खुदावंद के इस खूबसूरत मुकद्दस और ख़ास दिन में जिसमें मेरी और आपकी निजात छुटकारा ये वो बातें हैं जो हर साल हम दोहराते हैं और इनमें से कुछ ना कुछ अपनी निजात के लिए हासिल करते हैं जो लोग दूर नज़दीक से आए हैं थैंक्सफुल खुदावंद आप लोगों को बरकत दे आप लोग यहाँ पर आए हैं ताकि आप इस दिन की इबादत को सेलिब्रेट करें क्योंकि ये दिन एक बड़ा ख़ास दिन मसीहत के लिए क्रिश्चियंस के लिए एक बड़ा ख़ास दिन है जिसमें वो इसमें हाज़िर होते हैं खुदावंद के सामने अपने कामों को छोड़कर कि वो ये समझते हैं कि ये दिन उनकी ज़िंदगियों में बड़ी अहमियत रखता है ये दिन उनके लिए छुटकारे का बाइस है ये दिन उनके लिए डिसिप्लिन का बाइस है ये दिन उनके लिए निजात का क्योंकि हम सब मिट्टी से पैदा होने वाले वो इंसान हैं हमसे पेशतर भी हज़ारों लोग हज़ारों नस्लें बेटियां बेटे धन दौलत ईमान गरीब अमीर हज़ारों करोड़ों लोग इस ज़मीन में सो चुके हैं और हम इस ज़मीन पर क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हर साल ये मेज़ की रस्म होती है मैं इस मेज़ को इसलिए ज़्यादा प्योरिटी देता हूँ ये वो मेज़ है जब वो लास्ट आखिरी फसा खा रहे थे अपने शागिर्दों के साथ तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी आरजू थी कि मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं तो ये वो मेज़ है इसको मेरा वास चले थे मैं सोने की बनवावा पर चलो जो कुछ हो सकता है तो वह करने हैं ठीक है मेरा वास चले थे वड्डी जी ट्राली बनावा सोने की तो उत्ते तर के लियावा ठीक है कि किस कदर हम इस मेज़ की अहमियत को समझते हैं मैं अक्सर क्योंकि बहुत सारे लोग तकरीबन हर साल ही मुझे एतराज़ सुनने पड़ते हैं जब कभी भी बात होती है तो वो कुछ लोग कहते हैं ये लोगों से बुत परस्ती करवाता है कुछ लोग कहते हैं लो जी यह हो रे केड़ा काम मैंने शुरू कर देता है ठीक है तो आज जहालत के एक कीड़े पर बात करेंगे साथ वाले से कहो जहालत का एक कीड़ा जहालत एक ऐसी मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा मिला जहालत एक ऐसी गहरी नींद है जब भी कोई इसमें से जगाने आएगा जहालत एक ऐसी गहरी नींद है जब भी कोई इस नींद से जगाने के लिए आएगा तो आप सब जानते हैं जिस आदमी को नींद से जगाया जाए उसका मूड कैसा होता है उसका मूड कोई बंदा नहीं कहता मैं सो रहा हूं और गहरी नींद सो जाऊं और कोई बंदा आकर मुझे उससे जगाए
कोई भी नहीं ये चाहता। और सेम इसी तरह से जहालत एक ऐसी गहरी नींद है, जब जिस जमाने में कोई भी जगाने के लिए आया है लोगों ने उसका मजाक ही उड़ाया। हमें इस मेज को इज्जत देनी थी जिस मेज पर वो बैठकर बड़े प्रॉमिस उसने किए, इस मेज पर उसने बैठकर बड़े वादे किए अपने शागिर्दों के साथ कि ये आप लोग खाएं, मैं तब खाऊंगा जब मैं फिर आऊंगा। यानी ये मेज एक प्रॉमिस टेबल है कि वो टेबल पर प्रॉमिस करके गया है कि मैंने फिर आप लोगों से मिलना है, फिर मैंने आप लोगों से आकर बात करनी है। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? की गल पकार दे सी जन्म जन्म का एक एक पास्टर का चर्च के साथ जहन्नम से जहन्नम नहीं जन्म जन्म का रिलेशन है। इसको मैं बिब्लिकली भी इब्राहिम गरीब लाजर इस जन्म के बाद वो उस जन्म में भी मिले। यानी चर्च और कलीसिया और पास्टर वो जन्म जन्म के रिश्तेदार हैं, इस जन्म के भी और जो पाप के अंदर जिंदगी गुजारते हैं वो इस जन्म में भी पाप के हैं और उस जन्म में भी उन्हें पाप के साथ रहना है। तो वो एक सादा सा सरमन था कि हमारा जो रिलेशन है वो जन्म जन्म का रिलेशन है। ठीक है, हम जिस मैंने एक वर्स वहां से उठाई थी कि हम जिस्मानी रिश्तों की बड़ी इज्जत करते हैं, करनी चाहिए। बाइबल ने तालीम दी है हमें जिस्मानी रिश्तों से मोहब्बत करनी है, बहन भाइयों से मोहब्बत करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है। लेकिन अगर जिंदगी में कभी वक्त आए कि आपको खुदा चुनना पड़े या रिश्ता चुनना पड़े तो फिर खुदा चुनना, रिश्ते को नहीं चुनना, फिर खुदा चुना जाता है। खुदा आपको सारे रिश्ते वापस ला कर दे सकता है, ये 100% है। सारे बहन भाई खुदा आपको वापस दे सकता है, माँ बाप आपको वापस दे सकता है, दोस्त आपको वापस दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपने खुदा को छोड़कर रिश्ते चुन लिए तो रिश्ते भी आपके साथ नहीं रहेंगे। तो आपको वो रिलेशन चुनना है जो पावरफुल है। खुदा सब कुछ वापस लाने पर कादर है, वो बहन भाई भी वापस ला सकता है, वो माँ बाप भी, और आपको इस जन्म के बाद उस जन्म में भी हो सकता है मुलाकात करवा दे। आमीन। आज का जो सादा सा सरमन है वो लेकर आओ जरा, इधर देखें। एहतराम, ये भी एक संडे स्कूल की टीचिंग आप कह लें, क्योंकि चंद एतराजात मैंने और भी सुने। अक्सर लोग चर्च में आते हैं, कभी वो मेरे घुटनों को हाथ लगा देते हैं, कभी मेरे पैरों को हाथ लगा देते हैं, कभी कोई बच्चा आकर मेरे हाथ चूम लेता है। तो ऐसे बहुत सारे काम जो हैं बच्चे करते हैं। तो मैंने समझा कि नहीं, मुझे इस पर सिखाना पड़ेगा, ये क्या है, ये क्यों ऐसा होता है। एक औरत ने आकर यीशु मसीह के पैरों पर अतर डाला, उसके नजदीक वो एक निजात दहिंदा था, और वहां टेबल पर बैठे हुए लोगों ने एतराज किया कि ये जानता है, अगर ये जानता कि ये औरत बदकार है तो इसको अपने पैर ना छूने देता। तो वो उसको हटाने लगे, यीशु मसीह ने कहा इसको करने दो, लिखा उसने उसके पैर चूमने शुरू कर दिए। जीसस ने कहा इसको करने दो, ये मेरी खिदमत कर रही है। अब सादा सा, ये एक सादा सा सरमन है। एहतराम, हम जिस कल्चर से बने हैं, हम जिस कल्चर से निकले हैं, वहां खुदा का रूह कभी भी काम नहीं करता, क्योंकि एहतराम नहीं है किसी भी जगह पर। हमारे कल्चर से एहतराम बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ बातें मैं माओं से पूछूंगा और बड़ी दिलेरी के साथ आपने मुझे बतानी है। एहतराम क्या होता है? बड़े की इज्जत करना, बड़े की रिस्पेक्ट करना। और क्या जो एजुकेशन हम यहां पर लेते हैं या जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको यहां पर उस मकाम पर जाने के लिए एक ऐसी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, और बिब्लिकली कोई बात मैं अपने तरफ से करता ही नहीं हूं। मैंने इतनी बड़ी स्क्रीन का रेंज इसीलिए किया ताकि हर बंदा रेफरेंस टू रेफरेंस पढ़े करे बाइबल से कि एहतराम क्या होता है। इज्जत करना अलग बात है, एहतराम क्या होता है, तजीम क्या होती है, किसी के सामने झुकना या हम क्यों झुकते हैं। मैंने पिछले सरमन में बताया था
कि सजदा कभी भी इंसान को नहीं किया जाता, क्योंकि सजदा खुदा की जात को इसलिए किया जाता है, खुदा सब कुछ करने पर कादिर है, पर इंसान को इसलिए सजदा नहीं किया जाता कि इंसान सब कुछ करने पर कादिर नहीं है। इंसान वो कर सकता है जिसकी खुदा उसको तौफीक देता है। और आज एहतराम पर बात करेंगे। मैं एक बंदे को जानता हूं, वो एक बड़े स्पिरिचुअल खादम को सुनता था। तकरीबन 10-12 लाख लोग होते हैं उसके चर्च, मतलब उसका क्राउड होता है। तो उसने कहा मैंने उसको सुनना छोड़ दिया। मैंने एक दिन देखा कि एक बंदा उसके पाँव को हाथ लगा रहा था, उसके बाद मैंने उसको सुनना छोड़ दिया। ये कौन सा काम शुरू करवा दिया? मैंने कहा नहीं, तुम अभी तक जहालत के अंदर हो और तुम्हें इसकी कभी समझ नहीं आएगी। जिस कल्चर और जिस जहन्नम की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिस कल्चर और जिस जहन्नम की ओर हम बढ़ रहे हैं, वहां पर आप देखें, एहतराम की बात सुने। पहली बात, कभी आपने देखा होगा पुराने वक्तों में जब लोग चर्च में दाखिल होते थे तो सीढ़ियां जो होती थी चर्च की, जब लोग सीढ़ियां चढ़ते तो वहां पर लोग झुका करते थे। अगर किसी को याद हो, जब लोग की चर्च दी सीढ़ियां चढ़ते होंगे ही तो चर्च की सीढ़ियां के बाहर लोग झुकते होंगे। हूँ चर्च के अंदर भी कोई झुकना पसंद नहीं करता, एहतराम खत्म हो गया। अब ये बिब्लिकली क्या है? ये एक डिवाइन इलाही एजुकेशन है। अगर आपको, मैं सादी बात करता हूं, आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर बनने के लिए, उस मकाम पर जाने के लिए, उस मकाम पर जाने के लिए उसे तैयारियां करनी है। क्या करनी है? और जब तक वो तैयारियां नहीं करेगा उसको वो मकाम नहीं मिलेगा। आपने अपने बच्चे को एक टीचर बनाना है, आपको उस मकाम पर जाने के लिए तैयारी करनी है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनने के लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी। आज इस खूबसूरत मेज को जो आपके सामने है सजाने के लिए, पिछले 2 हफ्तों से मार्केटों में घूम रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, हमें गोल्ड मिले, गोल्ड जैसे बर्तन मिले। इस मकाम को खूबसूरत बनाने के लिए कोई तैयारी करनी पड़ती है। हम जिस मुकामे इलाही में जाने की बातें करते हैं, जिस मुकामे इलाही को हासिल करने की बातें करते हैं, उस मकाम की एजुकेशन भी हमें लेनी चाहिए। उस जहान में लोग किस तरह से किसी से मिलते हैं, उस जहान में लोगों का डिसिप्लिन क्या है, उस जहान में रहने वाले लोग किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं। आप गुड फ्राइडे हर साल ये बात मना लेना कि जीसस क्राइस्ट ने मेरे लिए जान दिया, उसके करैक्टर पर तवज्जो करें कि उसका करैक्टर कैसा था। वो डिवाइन एजुकेशन देने के लिए जमीन पर आए थे, इलाही एजुकेशन देने के लिए जमीन पर आए थे कि आप जब आसमान पर आएंगे तो आपको कैसा नेचर लेकर आसमान पर आना है। मैं पर्सनली जो चीज यहां टीच करना चाहता हूं या जो सिखाना चाहता हूं, मेरा मकसद यही है कि एहतराम क्या चीज है, एहतराम के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या ये बिब्लिकली है? आप किसी बुजुर्ग के पैरों को हाथ लगा दें, क्या ये बिब्लिकली है? आप किसी के घुटनों को हाथ लगा दें, क्या ये बिब्लिकली है? क्या हमें किसी खादम पास्टर बुजुर्ग के पैरों को हाथ लगाना चाहिए? मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन है, पर मैं फिर कहता हूं जब कोई जहालत की नींद से जगाने आता है तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि नींदर बड़ी सारियां प्यारी हो, भावें जहालत की होवे, भावें बैड की होवे, भावें। तो जब आप इसको सीखेंगे, चले तुझी ध्यान ना सुननी गल, जदों मैं पिछले संडे संभड़ियाल में सुना रहा था, भरजाइया मावं घुंड क्यों कट दिया हैं, और जरा दुपट्टे ने अज करके इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका क्या रीजन होता था? वो भरजाइया जो घर च व्याइया तो जेठ हाड़ उहदे अगे दुपट्टा करके की एहतराम करते ही हूँ मकाहड़िया ने मुक गई है, मुक गई है तो इज्जत भी मुक गई है। अब सुने, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जदों हसबेंड वाइफ की शादी होंदी ही, तुहानूं पता वड्डे वड्डे वेड़े होंदे सी, खुले डुले वक्खरे वक्खरे कमरे होंदे ही,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੈਂਦੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਜੇਠ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਰ ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦਰ ਇਹਤਰਾਮ ਸੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਅ ਢਾਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਹਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਚਾਰਲਸ ਆਇਆ ਸੀ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁਆ ਕਰਤੀ ਥੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਨਾ ਪਵੇ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਬਲੈਸਿੰਗ ਥੀ ਮਾਰੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਬਲੈਸਿੰਗ ਥੀ ਡਿਵਾਈਨ ਬਲੈਸਿੰਗ ਥੀ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਆਸਮਾਨੀ ਕਲਚਰ ਥਾ ਨੂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਦਿਓਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਓਰ ਸਿਰ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਬੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਕੋਈ ਇਹਤਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਮਾਰਾ ਆਪ ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾਈਏ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਆ ਖੁਦਾ ਸੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਇਹਤਰਾਮ ਛੋੜ ਦੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਕਾ ਇਹਤਰਾਮ ਛੋੜ ਦੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਇਹਤਰਾਮ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਘਰ ਮੇ ਇਹਤਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਘਰ ਕਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਕਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਏਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਕਾ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕੌਨ ਸੇ ਕੱਪੜੋ ਮੇ 18,000 ਕਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨਾ ਹੋਇਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 35,000 ਕਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨ ਕਰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੋ ਆਪ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ ਇਹਤਰਾਮ ਕਹਾਂ ਰਹਾ ਯਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਲਾਚਾ ਧੋਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਲਾਚਾ ਅਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੁਣ 18,000 ਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਹਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਜਾਏਂਗੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆ ਜਹੰਨਮ ਬਣਾਏਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਕੀ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਲੈ ਕਰ ਜਾਏ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਸਾਦਾ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਤਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਥਾ ਖਾਦਮੋ ਕਾ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇਖੇ ਲੋਕੋ ਕਾ ਕੈਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਬ ਉਨਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਈ ਨੂੰ ਵੋ ਸ਼ੈਫ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਨਾ ਸ਼ੈਫ ਕੋ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ 513 ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਝ ਦੇ ਨਹੀਂ 500 ਸਦਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਤਰਾਮ ਜਬ ਆਪਨੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਆ ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਈਬਲ ਸੇ ਅਬ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਕੋ ਥੋੜੀ ਸੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਮੇਂ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਆਪ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਤਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਸੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਬੱਚੋਂ ਸੇ ਯੇ ਕਹਾ ਥਾ ਘਰ ਮੇਂ ਜਬ ਉਠੋ ਤੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਪੈਰੋਂ ਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਯੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਮੀਨ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਪੈਰੋਂ ਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ
उन्हां दे हत्थां नूं चुमणा, उन्हां दे उन्हां दी मास बोटी दे विचों मास बोटी बनी है, उन्हां दे गोश्त दे विचों है गोश्त बनिया है, जिन्हां दे विचों गोश्त बनिया है तुसीं उन्हां दे हत्थ पैर नहीं चुमदे, तो जिन्हां दे विचों रूह बनी होए तुसीं उन्हां नूं किवें चुम लवोगे? कितनों को मेरी बात समझ आई? जिन्हां चों मास बोटी बनी होए तुसीं उन्हां दे हत्थ नहीं चुमदे, तो जसो जिन्हां ने जिन्हां चों रूह बनी होए उन्हां नूं तुसीं कित्थों जाणदे जे? धर्म, मैंने कहा था कि सुबह उठकर अपने माँ बाप के सामने झुकना, उनके पैरों को हाथ लगाना, उनके हाथ चूम कर जाया करो स्कूलों के अंदर। जी निकाले मुकाशफा पांचवां बाप आयत नंबर 14। अब ये देखे, मैं आसमान से नीचे उतरूंगा कि ये आसमानी एजुकेशन है जो मैं यहां पर बता रहा हूं, ये इलाही एजुकेशन है और हमें उसको फॉलो करना है, हमें आसमानी चीजों को फॉलो करना है, हमें आसमान के खुदावंद को फॉलो करना है। सर, मैं आपको 110% बता रहा हूं, जो यहां पर मैं टीच कर रहा हूं आप उसको फॉलो करें, कभी जिंदगी में बरकतों के लिए आपको प्रेयर नहीं करनी पड़ेगी, कामयाबियों के लिए आपको प्रेयर नहीं करनी पड़ेगी, आपको सरफराजी के लिए प्रेयर नहीं करनी पड़ेगी, खुदा आपको खुद देगा जितनी मैंने एहतराम के अंदर बरकत देखी है। मैंने इतने इतने बड़े फलसफा निगारों को देखा है, उनके पास बड़ा नॉलेज लेकिन वो बदतमीज हैं, मैंने उनको कभी बढ़ते या ग्रोथ करते नहीं देखा क्योंकि वो बदतमीज हैं। मैंने सादा लोगों को देखा है जिनके पास नॉलेज नहीं है, उनके अंदर एहतराम की मैंने दुनिया देखी है और उनको ब्लेस देखा है। जी मुकाशफा की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 14, ये जीसस क्राइस्ट जब जमीन से आसमान पर गए हैं, फोकस के साथ सुनना, बड़े ध्यान के साथ मिस नहीं करना, और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। ये वो जगह है जहां खुदावंद बैठते हैं और ये बर्रा के सामने है, नीचे लेकर आओ इसको जरा, बस 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 बस, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे नीचे, पांचवी आयत। जी तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी सातों मोहरे खोलने के लिए गालब आया है, और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया जिबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा, उसके सात सींग और सात आंखें थी, ये खुदा की सातों रूहें हैं जो तमाम रवि जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। वो ये नया गीत गाने लगे कि तू इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला अहले जुबान उम्मत कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को, अब जिनको उसने खरीदा है उनको वो एजुकेशन देगा कि मेरे आसमान पर आना है आप लोगों ने, ऊपर करो, उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और कहन बना दिया और वो जमीन पर बादशाही। ये आयत बताती है कि जमीन पर आप लोगों को, जमीन पर भी बादशाही, जिंदगी के अंदर भी आप जमीन पर बादशाही करेंगे। आप 2000 रुपए की खातर खुदावंद की इबादत छोड़ रहे हैं, आपको पता नहीं आपने करोड़ों का नुकसान कर दिया। कोई भी बंदा, मैं फिर अलानिया कह रहा हूं, अगर किसी बंदे की दिहाड़ी टुटती है पई, वो दिहाड़ी उस सीट बॉक्स के विचों अपनी दिहाड़ी लवे पर छुट्टी ना करे, खुदा दे घर आए करे। आप वो 2000 रुपया तो देख रहे हैं, आप ये नहीं जानते आप करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है, और जब मैंने निगाह की उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों है, और वो बुलंद आवाज से कहने लगे कि तू कहते थे कि जिबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत दौलत हिकमत ताकत इज्जत तमजीद के। फिर मैंने आसमान और जमीन और जमीन के नीचे की, ये देखें आपको शायद पता नहीं है, फिर मैंने आसमान जमीन और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूक,
किसी दिन इस पर बात करेंगे। समंदर के अंदर भी मखलूक रहती है जो यीशु मसीह को सजदा करती है। कितने रहती है? ये जमीन वाले आंकड़े ने कितने वाले है? वैसे वहां पर ये लिखा हुआ है, इस पर फिर बात करेंगे। सब मखलूकात को यानी सब चीजों को जो उन्होंने सुना, जो तख्त पर बैठा उसकी और बर्रा की हमद हो, इज्जत हो, सल्तनत अब्दल आबाद रहे। चारों जानदारों ने आमीन कहा। बुजुर्गों ने गिर कर अब ये सजदा करना, ये आसमानी फेल है, ये आसमानी बुजुर्गी है। और जब आसमान वाले नीचे उतरते हैं, जैसे जैसे बड़े नीचे उतरते हैं, छोटे उनके आगे झुकते हैं। फिर सुने, बड़े उतरते हैं और छोटे उनके आगे झुकते हैं। और ये इसी तरह तसलसल के साथ चलता है। जैसे आप पदाइश की किताब निकालें, अब मैं आप जब इब्राहिम के पास खुदा के फरिश्ते आए, जब बुजुर्ग इब्राहिम देखें, इब्राहिम कैसे इतना नाइट बंदा हो गया, इब्राहिम कैसे इतना ब्लेस्ड हो गया। उस जिसके अंदर खुदा की रूह होगी वो डिवाइन लॉ को फॉलो करेगा, वो डिवाइन चीजों को फॉलो करेगा, इलाही चीजों पर काम करेगा वो। और बाइबल ये कहती है, बस आसमानी चीजों के ख्याल में रहो, ना के जमीन पर की चीजों के। अब देखें आप इब्राहिम के पास, पदाइश की किताब 18वां बाब, उसने अपनी आंख उठाकर नजर की और क्या देखता है, तीन मर्द उसके सामने खड़े हैं, और वो उनको देखकर खैमे के दरवाजे से उनको मिलने को दौड़ा, जमीन तक झुका। ये देखो क्या कर रहा है इब्राहिम, जमीन तक। आप इधर आए, इधर खड़े हूं। अब सजदा, फरिश्ते उसे सजदा नहीं करवा रहे थे, फरिश्तों को मालूम है कि हमें सजदा रवा नहीं है। अब इब्राहिम को वो फरिश्ते नजर आए हैं, तो जमीन तक झुकने का क्या मतलब है? वो इस तरह उनके सामने गया है, ओ खलो जाओ तुम, तो क्यों दापिया, ठीक है। वो लिखा जमीन, उसको मालूम है ये बुजुर्ग आए हैं किसी जगह से, और वो उनकी इज्जत के लिए यहां तक गया है। इतने टोर देते लाका कड़, इतने असा पता कितने टोर गए, ना इतने, ना इतने, इतने ना, इतने इतने भी नहीं, हूँ इतों ही, ठीक ओके। फिर किन्ने ने मेरी समझ आ रही, पढ़े, मैं बिब्लिकली एजुकेशन बता रहा हूं आपको। इब्राहिम ऐसे ईमानदारों का, ईमानदारों में ब्लेस नहीं हुआ। साढ़े घर च जिन्हू खुदा ने चुने है ना, सब तो बहुत ही बुराई उस बंदे की घर च होंगी है, इस लिए दूजे खज्जल खराब होते रहते हैं। जिस बंदे को खुदा ने आपके घर में चुना हुआ है, हमारे घरों में सबसे ज्यादा बुराई उस बंदे की होती है। यूसुफ चुना था, सबसे ज्यादा बुराई उसी की होती थी। शैतान जानता है कि इनका नाफरमान बना हो इनको। मुझे बताएं, एक आदमी 2 लाख रुपए सैलरी लेता है और उसके बच्चे उससे कहें अब्बे नू अकल को नहीं, ये कैसा डायलॉग है? आप ही हो ना, 2 साल नहीं कमाया, बापू 2 लाख कमाता और कहते अब्बे नू अकल को नहीं। सर आपको इसको जूम करो जरा। इब्राहिम ने उनको सजदा नहीं किया, बड़े की इज्जत की है, लिखा वो जमीन तक झुका, जमीन तक झुका इब्राहिम। तो कितना वो डाउन हुआ होगा आपके ख्याल में? मैं आपके बच्चों को कह रहा हूं कि आपके बच्चे ऐसा करें, अपने मां बाप के सामने झुको, एहतराम करो, उनके पैरों को हाथ लगाओ, उनके पैरों चुम के जाया करो स्कूले। बहनों को मैंने काम बताया तो वो कर रही, कई भैन आदि ने, मेरा बंदा लेट होता है तो पैर नहीं धुपे होते, मैं तो रात झोंम के सौं जाया कर। एक बाजी मैंने आती, मेरा हसबैंड बाहर नहीं था, मैं वीडियो कॉल तो कर लिया कर तो लोगों एहतराम। आप जानते नहीं कि खुदा ने आपको क्या देना है। शैतान इतनी गंदी फितरत का मालिक है, उसने खुद उसकी नाफरमानी की है और एहतराम को उसने खत्म कर दिया। ये बुजुर्ग इब्राहिम है, लिखा है उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखा के सामने, और उनको देखकर खैमे के दरवाजे से उनसे मिलने को जमीन तक झुका।
वह झुकया होना इंज इंज होया होना इंज ठीक है साढ़े वर्गा हों ना तो उन्हें कहना सजदा पे करता जी सजदा पे करता जी सजदा करता जी पे सजदा यह कोई तरीका है मैं कि जहालत एक मिठी नींद रे कि बाइबल पढ़ी हो तो समझ आ ही जानी बाइबल पढ़ी हो तो ये आसमान पर एक सिस्टम बनाया उन्होंने कि जो बड़ा है छोटे उसके सामने झुकते हैं फिर वो खुद किसी जगह पर छोटा है वो किसी के सामने झुकता है और सारे जब एक दूसरे के सामने झुकते हैं तो कितने आकड़ रही ही नहीं है हालेलुया कितने लड़ाई सब ब्लेस होते हैं सब बढ़ते हैं और यहां सबसे ज्यादा बेइज्जती पता घर में किसकी करते हैं जिसे पैसे खाते हैं जिदको खानी है ना रोटी वो दे लक च मारनी ना सोटी ये मैंने देखा है मैंने असूल देखा है इधर तो ये एक बदतरीन हालत हो गई है बदतरीन हमने एहतराम पर काम नहीं किया इबादत पर कर लिया रोजे पर कर लिया है रोजा बड़ा अच्छा हो गया प्रेयर बड़ी अच्छी हो गई एहतराम जरा भी नहीं है एहतराम है ही नहीं आप स्लीप की बात कर रहे हैं गुड फ्राइडे का एहतराम करना खुदावंद के दिन का एहतराम करना ये तो आप छोड़ ही दें अभी तक हमारे इस कल्चर में खुदावंद के दिन का एहतराम नहीं है इबादत है विचो जी उठ के टुर जाते मैं चलना जरा काम है इबादत का एहतराम हो रहा है इबादत चल रही है और इबादत में से उठ कर चले गए हैं यार जरा काम सी तो उत्थे चले हैं ये एक डिवाइन आगे मैं बढ़ता हूँ बैठ मैं फिर बुलाता हूँ आगे लेकर चलते हैं आप इसके बाद अगर आप पदाइश की किताब ये लेकर आओ ऊपर लेकर आओ 23वां चैप्टर 12वीं आयत तब इब्राहिम उस मुल्क के लोगों के सामने झुका जिस मुल्क में इब्राहिम रह रहा था उस मुल्क के लोगों के सामने वो झुका इतना उसके अंदर एक 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 पैशन था उस शहर में जिसमें वो रह रहा था जब लोगों ने उसकी हेल्प की बादशाह ने तो वो लोगों के सामने झुका इस तरह से कि आप लोगों ने मेरी हेल्प की है मैं जब यहां पर खड़ा होता हूं तो मोस्टली आप लोगों के सामने झुकता हूं ठीक है तो ये एक डिवाइन एक रूह है जो आपको सिखाती है कि आपको खुदा की बादशाही में कैसे जाना है हमें उस मुकाम को हासिल करना है किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में यहां देखें मैं आप कल भी भाइयों को बता रहा था आज संबड़ेयाल चर्च में भी दोपहर में इबादत हो रही है तकरीबन दोनों जगहों पर सिर्फ 2 लाख रुपए का खाना बना है आज का संबड़ेयाल ब्रांच का ये सारा रुपया पैसा खुदावंद खर्च करता मैं खर्च नहीं करता यहां पर वैसे टोर वैसे मेरी ना मेरा ही चलता है लेकिन मैं नहीं करता तो वो क्यों कर रहा है कि मेरे लोगों को डिवाइन एजुकेशन मिले मेरे लोगों को ये मिले ताकि वो मेरे करीब आने के लिए तैयार हो जाए मैं आगे आपको और लेकर चलता हूं ये देखें बुजुर्ग यकूब पदाइश की किताब चैप्टर नंबर 33 तीसरी आयत में ये बड़ा भाई था यकूब ईसाऊ से जब मिलने के लिए गया आप फिर सब खड़े हो जाए सॉरी ओ उधर खड़े हो ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं बड़े अरसे के बाद इनसे मिल रहा हूं जब यकूब भाग गया वो दाल वाला केस करके तो जब वो वापस आया उसको एहसास हुआ कि मैंने भाई के साथ कुछ गलत किया है तो बाइबल ये कहती है सुने और वो खुद उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुंचते पहुंचते 7 बार जमीन तक झुका कितनी मर्तबा आप मुझे बताएं अब बंदा वो है ये मेरा बड़ा भाई है ये खड़ा है पहला मैं इत्थे मारांगा फिर मैं उत्थे फिर मैं इत्थे यानी 7 मर्तबा वो झुका और जाकर फिर अपने भाई से मिला कि मैं इतने सालों के बाद बड़े भाई से मिल रहा हूं और उनके एहतराम देखें आज उनकी नस्लें ब्लेस हैं उनकी पीढ़ियां ब्लेस हैं और आज भी जाकर उस कल्चर में देखें जो बुजुर्ग होता है ना जिसके सफेद बाल होते हैं उसके वो हाथ चूमते हैं बाइबल में लिखा है जब तू बुजुर्ग को देखे जिसका सर सफेद हो तो उसके सामने उठ खड़ा होना ये एहतराम ही तो सिखाया उसने एहतराम करना यानी बड़े भाई से मिलना इब्राहिम फरिश्तों के सामने झुक रहा है ये मैं कल्चर बता रहा हूं उनका अब पता क्या होगा अब मैं आपको बताता हूं जब कोई बाइबल को इस तरह से पढ़ता है
तो वो ये समझता है ये उनका कल्चर था, ये उनका कल्चर नहीं, उनमें रूह थी खुदा की और वो उनको सिखाया करती थी ये सारे काम। ये उसकी नस्ल है इब्राहिम की, यकूब, इसहाक, यकूब, ये सारे उसके बेटे हैं और वही नेचर जैसा इब्राहिम के अंदर था उसकी नस्ल के अंदर भी था और ये उनकी नस्लों के अंदर था और वो ये सारा कुछ किया करते थे। अब ये अपने भाई को मिलने से पहले 7 बार जमीन तक झुका, क्या मतलब है जी झुकने का, गोड्डियां नु हाथ भी नहीं लाना अपने भरा दे सामने जान तो पहला 7 बारी। मैं ये प्रेयर वॉरियर नहीं थे, एल चार चार घंटे दुआ करने वाले नहीं सन, इन्हों रोजे रखने नहीं हड़ाते, इन्हों रूल कुछ की हजूरी का वो तजर्बा नहीं, इन्हों यसू ने जान नहीं दिती, पर बड़े ब्लैस होए ने, बड़े ब्लैस हुए, बहुत ब्लैस हुए, एहतराम की दुनिया में वो बड़े थे, वो एहतराम को जानते थे कि एहतराम किस तरह से करना। और अगर आपने इसहाक के बारे में पढ़ा हो, इसहाक इतना ब्लेस था, इतना अमीर बंदा था, वजीर आजम लोग भी उसे डरते थे, अरबों रुपए का मालिक इसहाक, किन्ने दा? आज जो बच्चा घर में 50,000 देता है वो उनको सुनाता भी है, सारी तनख्वाह इतना ही लाना और मैं कुछ लाना हूं। अरबों रुपए का मालिक था इसहाक और उसकी उसके लिए बीवी एक नौकर लेकर आया, कौन लेकर आया? बाइबल पढ़ें, एहतराम की बात कर रहा हूं। बाइबल कहती है कि जब वो उसके लिए बीवी लेकर आया तो इसहाक खेतों के अंदर था और इतना अमीर आदमी था, मैंने कहा वजीर आजम भी उसे डरते थे उसकी दौलत से, उसकी शोहरत से, और इतना एहतराम था, जब रिबका को यह पता चला कि वो इसहाक है, लिखा वो उतरी और उसने वो बुरका जड़ाओ पा लिया। तो एहतराम है, नस्लें भी ब्लैस हैं, बच्चे भी ब्लैस हैं। हुण दो वेख के भी तसली नहीं है, जब आपने वो एहतराम खत्म कर दिया ना, वो चीज ही खत्म हो गई है सारी, वो कल्चर ही खत्म हो गया सारा। मैं आहिस्ता ऊपर से आसमान से हम उतरे हैं, ये आसमानी कल्चर है और ऐसा ऐसा पाप होता है इस दुनिया के अंदर आप सोच भी नहीं सकते। गुड फ्राइडे वो भी मनाते हैं, पाम संडे वो भी मनाते हैं, चर्च वो भी जाते हैं। तो ये उनका एक ऐसा आदमी जो करोड़ों अरबों का मालिक है और उसको पता ऊंट पर उसकी बीवी बैठ कर आ रही है, किस पर? इतने लैमोजीन करा के दिती, 1.5 लाख ब्यूटी पार्लर नूं दिता तो सुख फिर नहीं पाया, सुख सॉरी लैमोजीन करा के दिती है, 1.5 लाख पार्लर च दिता तो सुख, ऊंट पर बैठ कर आई थी बेचारी, ठीक है, तो लाड़े दे सिर ते ना कुछ सेरा, ना ब्रांड दी जुत्ती, ना ब्रांड दी। आप किस एहतराम की बात करते हैं? एहतराम खत्म हो गया, आपको ये वापस लाना है, आप वापस लाएं इसको, एहतराम को वापस लाएं अपनी जिंदगी के अंदर, देखें कैसे खुदावंद आपको छूता है, कैसे आपको ब्लेस करता है। हमने आप देखे सुनेंगे आज बड़ा मजा आया, लेकिन 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 तो ना करो काम, अगे कड़ा करन डे आई, तो ना करें आप इस पर काम, इससे क्या फर्क पड़ता अगर आप नहीं भी करते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप नहीं काम करते। हजारों लोग हैं जो इस पर काम नहीं कर रहे, पर मुझे जो भेद समझ आया है खुदा से कुछ लेने का, मुझे यही समझ आया कि जो चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं बाइबल की, अगर जब तक हम इसको नहीं मानेंगे खुदा हमें वो चीज़ें नहीं देगा, नहीं देगा। इसके बाद आप और बाइबल में क्या देखना चाहते हैं? यूसुफ के बारे में जानना चाहते हैं? पैदाइश की किताब चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 28, उन्होंने जवाब दिया तेरा खादम हमारा बाप खैरियत से है अब तक जीता है, फिर वो सर झुका झुका कर उसके हुजूर अदाब बजाता, अदाब बजा लाए। ये यूसुफ की बात है, वड्डियां नूं छोटे अगे झुकाया, खुदा ने उनको झुकाया कि इसी को मानना है, और वो ऐसी कंडीशन खुदा ने उनकी लाइफ में लेकर आया कि 11 के 11 को खुदा ने झुकाया के जाकर यूसुफ के सामने आपको झुकना है, अदब सीखो, एहतराम सीखो कि आपको झुकना है। मैंने लोगों को देखा है अपने के सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे, परायों से जाकर सर फड़वा लेंगे,
सियाने लोग आते होंगे हाँ अपना कितने सुटेगा तो की करके छावे सुटेगा। तो ये हमारी फितरत है कि हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी अपनी ज़िंदगी से, हमने ये अपनी ज़िंदगी से ये हिस्सा ही निकाल दिया। चले मैं ये सुमसी की बात करते हैं, कितने लोगों को पुराने ऐसे समझ आया कि ये कल्चर है, और भी बड़े रेफरेंस हैं, पूरी बाइबल भरी पड़ी हुई है, ये एक नहीं दो नहीं तीन नहीं। आप जब ये करेंगे आपको मालूम नहीं कि आप अपनी नस्लों के लिए कैसा बीज बोएंगे, आप अपनी पीढ़ियों के लिए कैसा बीज बोएंगे, आप अपने बच्चों के लिए कैसा बीज बोएंगे, आप एक ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं जिसमें आपकी नस्लें और आपकी पीढ़ियों ने ब्लेस होना है। आने वाला टाइम, मैं आज आपको कह रहा हूं, आने वाला टाइम आपकी नस्लों का होगा, आने वाला टाइम आपकी पीढ़ियों का होगा। बस बाइबल को फॉलो करें, जो खुदा का वर्ड कहता है उसको फॉलो करें। आप फीलिंग को छोड़ दें। ये सुमसी की बात करते हैं, यूहन्ना की इंजील 13वां बाब निकालें। कितनों को ये बात समझ आ रही है? मैंने चंद रेफरेंस देकर ये बता रहा हूं कि ये इलाही खुदा को ये पसंद आता है। और जब आप ये बाइबल सुन रहे हैं, अब ये कल्चर आपको बहुत सारी कौमों के अंदर भी मिलेगा। ये कल्चर आपको कौमों, वो करते हैं तो ये उनका अपना कल्चर है। मैं आपको बिब्लिकली कल्चर दे रहा हूं, मैं आपको बाइबल से ये कल्चर सिखा रहा हूं कि आप ऐसा करें, और ऐसा करने से आपकी इज्जत है, ऐसा करने से आपको बरकत मिलेगी जी। अब आते हैं इस रस्म की तरफ जो उस रात खुदावंद ने की। इसके बाद वॉलंटियर भाई सारे खड़े हो जाओ, जितने भी खिदमत गुजार भाई हैं इधर आओ, सामने आओ मेरे। शाहद भाई आप भी आए, वो पीछे वाले लड़के भी जितने खड़े इधर आ जाओ। मैनुअल भाई सारे इधर आए, इधर आज मैं आपको करके बताता हूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी आए जो खड़े हैं आ जाएं, व्हाइट कोट वाले भी, वो टी शर्ट शर्ट वाले भी, इधर लाइन में खड़े होने आप लोगों ने। देखें मैं आपको एक काम करके बताता हूं, आए जितने भी खड़े हैं, खड़े हो, आप भी खड़े हो सकते हैं, खड़े हो, आप भी आए, ये भी आए, खड़े हो, लाइनों में खड़े हो जाए जरा, आप भी उठो, साउंड वाले बजाने वाले आप भी आए, खड़े हो, इधर खड़े हो, क्वायर के भी सब आ जाओ, लाइन च खिलौना अगड़ पीछे नहीं खिलौना, मैं को वीडियो नहीं बनवानी, मैं काम कर लगा। जीसस क्राइस्ट ने कहा जिस दिन जिस रात वो पकड़वाया जाता है उससे पहले उसने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। लेकिन उसने एक बर्तन लिया, अब सुनना है कि वो क्या एहतराम कर रहा है। उसने एक बर्तन लिया और बर्तन लेकर जिसको आसमान पर फरिश्ते सजदा करते हैं, फोकस के साथ सुनना, जिसको आसमान पर कौन सजदा करते हैं? आपको मैंने पढ़ाई मकाशफा से पढ़ाया है, आसमान पर जिसको एंजल सजदा करते हैं, बुजुर्ग सजदा करते हैं, जमीन पर उसने एक बर्तन लिया और उसमें पानी डाला, पानी डालकर लिखा है कि उसने एक रुमाल लिया और अपनी कमर से उसको बांधा और वह रसूलों के पैर पकड़ लिए उसने, और रसूल परेशान थे कि ये हमारे पाँव क्यों पकड़ रहा है, और उन्होंने अपने पाँव को साइड पर किया, हमारे पाँव ना पकड़े। पतरस भाग्या वहां से, उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब जी, तुम साढ़े पैर क्यों फड़ दियो? उन्होंने एहतराम सिखाने लगा ही की होता है, क्योंकि शैतान इंसान के अंदर गरूर पैदा कर देता है, गरूर पैदा कर देता है, उसकी फितरत के अंदर, उसकी नेचर के अंदर गरूर पैदा कर देता है, झुकना। और जब उस, आप मुझे बताएं, बंदा पागल हो जाता है कि एक बंदे के सामने फरिश्ते झुकते हैं, वो बंदा इंसान के पैर कैसे पकड़ सकता है? मुझे बताएं, क्या उसको पांव पकड़ना रहा है? मैं आपको एहतराम की बात सिखा रहा हूं, एहतराम क्या होता है, गुड फ्राइडे बाद में सुनते हैं। अब ये सब देखे खिदमत गुजार भाई हैं, ये देखें ये जो खड़े हैं, तो जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? आपको एहतराम आता नहीं, आप दुनिया में जहां मर्जी जाए आप लाइफ में कभी ब्लेस नहीं हो सकते, ये आप सुखाब सपने में भी कभी नहीं सोचना।
बिना कोई एहतराम की दुनिया के ब्लेस्ड हो जाए। जब उसने अपने से छोटों को उनके पैर पकड़ लिए, क्यों पकड़े उसने? पैर धोने के लिए। तो वो एहतराम ही तो कर रहा था कि मैं आपका एहतराम करता हूं। और रसूल परेशान थे, खुदावन तू ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं कर। उसने कहा जो मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम बाद में इसे समझोगे। फिर उसने कहा जो मैं कर रहा हूं इसे करते रहना। इसे, इसका मतलब यह था कि एक दूसरे का एहतराम करते रहना, एक दूसरे की इज्जत करते रहना। अब ये सारे खिदमत गुजार हैं और ये मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। मैं, मेरे यहां आने से पहले हर चीज रेडी होती है, हर चीज रेडी होती है। मैं यहां आकर एक तिनका भी नहीं उठाता, ठीक है, हर काम रेडी होता है मेरे आने से पहले यहां पर। और अगर कोई नहीं हो तो मैं गुस्सा भी करता हूं। अब ये देखें सारे खड़े हैं, अब ये देखें मैं इनके पैरों को हाथ लगाता हूं, ठीक है, मैं देखता हूं मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये देखें, खुदा इनको बरकत दे, ये मेरे लिए एहतराम का बाइस है, ठीक है। मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम समझो कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं ताकि तुम जानो कि खुदावंद क्या करते थे। कितनों को मेरी बात समझ आई? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, जब खुदा आपको इज्जत देता है दुनिया की कोई चीज आपको गिरा नहीं सकती। हालेलुया। ये खिदमत गुजार यहां पर हैं, पर बादशाही में हम सेम होंगे। बादशाही में हम यहां छोटे बड़े जरूर हैं, पर बादशाही में हम सब एक जैसे होंगे, हम सब एक जैसे होंगे। हम इसलिए यहां पर हम सीख रहे हैं एक दूसरे की इज्जत करना, यहां पर हम एक दूसरे का एहतराम करना सीख रहे हैं, यहां पर हम एक दूसरे से मोहब्बत करना सीख रहे हैं, यहां पर हम एक दूसरे की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं यहां इसलिए आपके सामने ये सारा काम किया कि आपको तसल्ली हो, जिस दिन हम खुदा के सामने होंगे कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब सेम हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन जी, थैंक यू। इसमें खिदमत गुजार भी थे, आम भी थे, खास भी थे। मैंने सबको खड़ा किया ताकि तुहानू ये ना लगे अपनी मर्जी दे खिला रहे हो, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने समझ आ ही जानी चाहिए। ये एक बिब्लिकली बाइबल का एक हिस्सा है, ये बाइबल का एक हिस्सा है कि आप एहतराम की दुनिया को समझें। कितनों को ये बात समझ आई है? उसके बाद ये मेज है, अभी हम इस पर शामिल होने वाले। पुराने वक्तों में जब लोग, रसूलों के ज़माने में जब लोग इसे लेते थे, जब किसी के सामने ये मेज़ या रोटी दी जाती थी तो लोग इसके सामने पहले झुकते और फिर इसे लेते थे। मैं एक गल कर दें, गुस्सा तो नहीं लगेगा। आज मैंने लोगों को देखा इस ग्लास की साइड चेंज करते हैं, इतलो पी के गया। और मैं सोचता हूँ यार इन्होंने जहन्नम तो बचना बुचना है, कोई नहीं। यानी एक एक ग्लास का भी एहतराम नहीं के दे वेच की है। एक दूसरी बात, जब आप खुदावंत के घर में खाना खाते हैं तो ये भी एहतराम है। आसमान पर भी हमें मेज पर खाने के लिए बुलाया जाएगा, ये भी एहतराम है कि आप खुदा के घर में खाने का कितना एहतराम करते हैं। आप आसमान पर भी, हम बाइबल में जीसस ने कहा मुबारक है वो जो मेरी मेज पर खाए। तो जब चर्च में खाना दिया जाता है तो जो खाना दे रहा है वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है कि मेरे घर में आप खाने का कितना एहतराम करते हैं, आप कितना जाया करते हैं, क्या करते हैं, आप कितना डिसिप्लिन में इसको यूज करते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे ये एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपकी जिंदगी में खुदावन नोट करता है। आप साथ वाले को मत देखेगा वो क्या कर रहा है, आप खुद एहतराम करें। आप यहां पर एक दिन टेस्टमनियां देंगे, आप जरूर एक दिन गवाहियां देंगे। मैंने दुनिया में बेशुमार लोगों को देखा है, बेशुमार रात दिन, रात दिन, रात दिन दौलत के चक्कर में घूमते रहते हैं, दौलत तलाश करते रहते हैं, करते रहते हैं, और आखिरकार आखिरकार वो थक हार कर वो जहन्नम में जाते हैं।
मैं सादा सी बात आपको सिखाता हूं, अगर आप किसी को खुशी देना चाहते हैं तो आपको खुद गम से गुजरना पड़ेगा। अगर आप किसी को खुशी देना चाहते हैं तो आपको खुद गम से गुजरना पड़ेगा। आप दूसरों को निजात देना चाहते हैं, खुद आपको कर्ज से गुजरना पड़ेगा। आप दूसरों को जिंदगी देना चाहते हैं तो खुद मौत से गुजरना पड़ेगा। आप दूसरों को मोहब्बत देना चाहते हैं तो खुद नफरत से गुजरना पड़ेगा। आप दूसरों के लिए जीना चाहते हैं तो खुद मरना पड़ेगा। आप जिंदगी में किसी को कुछ बनाना चाहते हैं तो अपना आप मिटाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे की इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप दूसरों की इज्जत बनाना चाहते हैं तो अपनी इज्जत गंवानी पड़ेगी। आप दूसरों को ऊंचा करना चाहते हैं तो अपने आप को नीचा करना पड़ेगा। और ये सारी की सारी खूबियां मैंने यीशु मसीह के अंदर देखी हैं, सारी की सारी खूबियां। कि उसने दूसरों को जिंदगी दी, खुद मौत ली। दूसरों को ऊंचा करने के लिए खुद नीचा हुआ। दूसरों को तंदुरुस्ती देने के लिए खुद मार खाई। उनको बरकत देने के लिए अपने आप को लानत में जाने दिया। दूसरों को जिंदगी देने के लिए अपने आप को मौत। आज भी फलसफा यही है, आज भी फलसफा यही है। आज भी बाप को बच्चों को जिंदगी देने के लिए खुद को दुख में जाना ही पड़ता है। और आप बादशाही के लोग हैं और मैं आपको इस तरह से बैठे देखता हूँ, मेरा बड़ा ईमान है कि आने वाला टाइम, आने वाले साल, आप सोच भी नहीं सकते आपके लिए कैसे ब्लेस होने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या कुछ देने वाला खुदा। ये जो माहौल मुझे नजर आ रहा है ना, हजारों रुपया डॉलर ला के भी अंज का माहौल नहीं बनता। की ला के इतने जो कुछ भी लगा कालिया का ही लगा, वेखो कालिया भी रब राजी हो ये ना। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अजरुदा मी वरिया, अजरुदा मी वरिया, अजरुदा मी वरिया, अजरुदा मी वरिया, मेरे सोने सजना। अजरुदा मी वरिया, अजरुदा मी वरिया, अजरुदा मी वरिया, अजरुदा मी वरिया। अजरुदा मी वरिया, अजरुदा मी वरिया, अजरुदा मी वरिया। अपना हाथ उठा दाया, इस खून और गोश्त की ओर चर्च अपना हाथ बढ़ाओ। खुदावंत से कहो, आज मुझे एहतराम के साथ इसमें दाखिल होने दे। मैं इसमें दाखिल हूं, मैं आज तेरी मेज हाजिर हूं, मैं आज तेरे खून और गोश्त में हाजिर हूं, मैं आज तेरी मेज पर हाजिर हूं इन जीसस नेम। प्रेयर करना शुरू करो चर्च, खुदावन की मेज पर आने के लिए, खुदावन की मेज पर हाजिर होने के लिए। खुदावन मुबारक हो, जो मुबारक है, जो मुबारक घड़ियां लम्हे हमारी जिंदगियों में पैदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेज मुबारक है खुदावन। इस रोटी और शीरे को उठाओ खुदावन के सामने। खुदावन इस रोटी को तेरे हजूर याद करते हैं। ये रोटी नहीं, तेरा गोश्त है
जब इसे तोड़ते हैं, जब इसे तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तेरे यीशु नाम से तोड़ता, तेरे यीशु नाम से इसे तोड़ते हैं। खुदावंद इसराइल के खुदा के हजूर मुबारक हो, खुदा यीशु नाम से ये प्याला तेरे हजूर मुबारक हो, यीशु नाम से मुबारक हो मेरे मुबारक। खुदावंद तेरा खून का हराम सदा जिंदगियों में कायम रहे, सदा कायम रहे। रब्बुल आलमीन तेरी शुक्रगुजारी करता जब तेरे लोग इस रोटी के अंदर, इस शीरे के अंदर शामिल होते हैं, तेरा गोश्त आग बनकर काम करे, ये शीरा तेरी कुदरत बनकर काम करे, इन जीसस नेम। खुदावंद ये चर्च आसमानी चर्च बने, इन जीसस नेम। तेरे लोग डिवाइन डिवाइन फैमिली का हिस्सा बने, तेरे लोग लाल चर्च डिवाइन फैमिली बने, जीसस नेम। खुदावंद तेरे लोगों पर हेवन खुले, आसमान से ग्रेस आए, इन जीसस नेम। आसमानी ग्रेस आए, इन जीसस नेम। तेरे लोग आसमानी ग्रेस से भर जाए, बी हील इन जीसस नेम। खुदावंद ये रोटी और शीरा तेरे लोगों की लाइफ के अंदर मुबारक हो, इन जीसस नेम। तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे थैंक्स कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हाले। बारी बारी के साथ, तरतीब के साथ, बहने भाई, हालेलुया, हालेलुया। बाप बेटे च पै गई जुदाई है, दिती सूली उते दुहाई है। बाप बेटे च पै गई जुदाई है, दिती सूली उते दुहाई है। क्यों खिच खिच कुड़ता लांदे हो, नालों नाजुक तलियां ने
पाले आए करना शुरू करो चर्च खुदावन के जोर थैंक्स बोलो आज की कुर्बानी के लिए आज की फसा के लिए जिसमें आप शरीक हुए हो खुदावन का थैंक्स बोलो खुदावन को खुदावन का शुक्रिया अदा करो मैं आज तेरी फसा में उस मेज में जो हजारों साल पहले तूने मेरे लिए सजाई आज मैं उस मेज पर शामिल हुआ हूं मैं तू थैंक्स कहता हूं मैं तेरी तारीफ करता हूं मैं तेरी ताजीम करता हूं मैं तुझे मुबारक कहता हूं हालेलुया आए थैंक्स कहना शुरू करें खुदावन को हालेलुया हालेलुया आए थैंक्स कहना शुरू करो हालेलुया थैंक्स बोलना शुरू करो खुदावन को शुक्रगुजारी करो उसके बाद उसके खाने में शरीक होने के लिए उसको थैंक्स बोलो आज इस दिन के लिए खुदावन थैंक्स करो बोलो चर्च उसके खून और गोश से आज तुम्हारी कमजोरियां जाएंगी ईमान के साथ रिसीव करना बाद में आज प्रेयर नहीं होगी कोई बीमार प्रेयर के लिए नहीं आए अपनी कमजोरी पर बीमारी पर हाथ रखो इस प्रेयर के बाद कोई बीमार मेरे पास नहीं आएगा आज खुदावन ने तुम्हारे लिए उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो प्रेयर से नहीं दुआ से नहीं उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो अपनी कमजोरी पर हाथ रखो खुदावन तुम्हें हील करे तुम्हारे पट्टों से कमजोरियां चली जाएं तुम्हारे गुर्दों की पत्थरियां चली जाएं तुम्हारे सर का पेन जाता रहे तुम्हारी आंखों की कमजोरियां चली जाएं पेट की बीमारियां चली जाएं बुरी रूहें तुम्हें छोड़कर जा रही है इन जीसस नेम कैच करे बोलो मैं फायर को कैच करता हूं अरे पापा 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 कैच करो फायर को होली को अरे पापा 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 रे 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 फायर को कैच करो इन जीसस नेम कैच करो खुदावन तेरी फायर तेरी आग एक एक को छुए होली को तुम्हारी हड्डियां फायर कैच करे तुम्हारी रूह फायर को कैच करे कैच करो फायर को फायर होली गोस्ट तुम्हारी बीमारी पर फायर उतर रही है तुम्हारी कमजोरी पर फायर उतर रही है जिन बेटियों के
रही, उनके रहम पर फायर उतर रही है। कैच करो उसे यीशु मसीह के नाम में। उसका खून तुम्हें हील कर रहा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। कैच करो चर्च उसकी अनाइंटिंग को, उसके एहतराम को, उसकी हजूरी को। कैच करो अपनी लाइफ के अंदर। जोर से प्रेयर करना शुरू करो। पूरा हाल प्रेयर करो एक मिनट के लिए। तुम्हारा फीवर चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। गुर्दों की पत्थरियां चली जाएंगी, ट्यूमर चला जाएगा। जिनका कर्ज है वो जा रहा है जीसस नेम। तुम्हारा कर्ज जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा फाइनेंस आजाद हो रहा है इन जीसस नेम। तुम्हारा बिजनेस आजाद हो रहा है। रिसीव करो, बोलो मेरा फाइनेंस तेरी फायर को कैच करे, मेरी खिदमत तेरी फायर को कैच करे, मेरी हड्डियां मेरी रूह तेरी फायर को कैच करे। बोलो रे बे 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 रे 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 होली गोस रिपाना मा पा 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 रोसो। कैच करो चर्च, कैच करो होली गोस, होली गोस कैच करो। बोलो मेरी कमजोरियां तेरी फायर ले रही हैं, मेरी बीमारी तेरी फायर को ले रही है। उसके खून से तुम चंगे हुए हो। मैं यीशु मसीह के खून को, उसके खून की कुदरत को तुम पर रिलीज करता हूं। खुदावन तेरा खून तेरे लोगों को पाक करे, तेरा लहू तेरे लोगों पर उतराए, उनकी हड्डियों पर, उनकी बीमारियों पर, उनकी कमजोरियों पर, उनके फाइनेंस पर तेरा लहू उतरे। तेरे खून के छींटे, तेरे खून के छींटों से तेरे लोग आजाद किए जाए, तेरे लोग पाक किए जाए इन जीसस नेम। तेरे लोगों के फाइनेंस आजाद हो, तेरे लोगों की नस्लें आजाद हो जाए। होली गोस्ट सानू जन्नतां दी, सानू जन्नतां दी सैर करा दो यीशु जी। वांग उच्चा काबा दे उड़ा दो यीशु जी। सानू जन्नतां दी सैर करा दो यीशु जी। वांग उच्चा काबा दे उड़ा दो यीशु जी। सानू जन्नतां दी सैर करा दो यीशु जी। वांग उच्चा काबा दे उड़ा दो यीशु जी। खुदावन को थैंक्स बोलो। पुशीदा मर्जों से पाक हो जाओ यीशु मसीह के नाम। मेदे की बीमारियों से आजाद हो जाओ, मेदे की बीमारियों से आजाद हो जाओ चर्च। मेदे की कमजोरियों से आजाद हो जाओ इन जीसस नेम। हाथ उठाकर बोलो मेरे यीशु दा गला पलैण वे। मिलकर मेरे यीशु दा अगला पलैण वे, यीशु दा अगला पलैण वे। लाल गिरजे दे लोकी सदा मेरे कर रैण वे, लाल गिरजे दे लोकी सदा मेरे कर रैण वे। सानू अंबरां दी सैर करा दे सोनिया,
सानू अंबरां दी सैर करा दे सोनिया वांगू चियाओ कबां दे उड़ा दे सोनिया सानू अंबरां दी सैर करा दे सोनिया वांगू चियाओ कबां दे उड़ा दे सोनिया आमीन थैंक्स बोलो